अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, निश्तर कॉलोनी मदीना होम्स में मौजूद हैं हम और यहां पर एक हफ्ते में 7 वारदातें हुई और 7 वारदातें, दिलचस्पी की बात यह है कि 7 लोगों पर मुश्तमिल गैंग्स ने की। मुख्तलिफ किस्म की रॉबरीज, मुख्तलिफ किस्म की चोरियां यहां पर सामने आई। यहां पर इलाका मकीन इस कदर परेशान है कि वो पहले तो अपनी तमाम तर चीजें ऐसे ही छोड़ देते बाहर, गली के बाहर को मोटरसाइकिल खड़ा किया, लॉक ना लगाया या वैसे अपने दरवाजे खुले रखे, लेकिन आजकल यहां पर खौफ का आलम यह है कि तमाम दरवाजे बंद रखे जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमराज आप देख रहे हैं, इन सीसीटीवी कैमराज में हमारे पास वो फुटेज भी मौजूद है कि जहां पर एक वारदात को इन्होंने कैप्चराइज किया और उसके बाद जो है वो पुलिस के पास जब बात पहुंचती है तो पुलिस टस से मस नहीं हो रही। निश्तर कॉलोनी का थाना बिल्कुल यहां पर 3 से 4 गलियां छोड़ के है और बहुत ही करीब है और गश्त भी यकीनन यहां पर होता होगा, फिर डॉल्फिन स्क्वाड भी यहां पर मौजूद है, लेकिन कहां पर, कहां गलियों में डॉल्फिन स्क्वाड आ रही है और क्यों आखिर ये 7 लोगों पर मुश्तमिल गैंग जो है यहां के इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस उनके साथ तावुन नहीं कर रही, पुलिस के पास वो जाते हैं लेकिन पुलिस जो है वो उनसे दामन छुड़ाने की कोशिश करती, रिवायती हरबे इस्तेमाल करती है। मजीद इलाका मकीन किस शशोपंज में मुबतला है, किस खौफ में मुबतला है, किस खौफ में जी रहे हैं, खौफ के साए उन पर मंडला रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। निश्तर कॉलोनी में एक वारदात एक फैमिली के साथ पेश आई और डाकू जो है वो गन पॉइंट पर तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लेके जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। आपके साथ ये वाकया पेश आया? जी, मेरे साथ वाकया हुआ। कब पेश आया था ये? आज से 16-17 दिन पहले की बात है। यहाँ पे कितना अरसा हो गया रहते हुए आप? हमें 3 साल हो गए। 3 साल में ये पहली वारदात हुई? जी, पहली वारदात हुई है। पहले कभी यहाँ पे आपने वारदात नहीं देखी? वारदात होती रहती है लेकिन हमारे इस एरिया में पहली दफा वारदात हुई है। अच्छा, ये क्या किस तरीके से आ रहे थे, किस वक्त, क्या टाइम था और कितने लोग थे? तकरीबन हम 12:30 बजे PIC से चले हैं और मेरी भाभी और मेरी मिसेज, मेरे वाले साहब को दिल का बाईपास हुआ था, उधर से डिस्चार्ज होकर इधर आए हैं। मैं उनसे पीछे पीछे था तो थोड़ा सा वो इशारे का डिस्टेंस हुआ तो मैं इधर पहले पहुंच गया हूँ, तो उन्होंने हारन दिया, मैं बाहर निकला हूँ तो ऊपर से 2 बंडूफाई वाले आए हैं तो आके उन्होंने गन पॉइंट रिवॉल्वर निकाल लिया, एक मेरे पापा के ऊपर रख दिया, मेरे ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा निकाल दो जो आपके पास है, तो हमारे 2 बैग थे, एक मेरी मिसेज का था, एक मेरी भाभी का था, उसके अंदर मोबाइल थे, पैसे थे और मेरी बेगम का जेवर था, वो उन्होंने उतार लिया जबरदस्ती। जेवर कितना था? जेवर तकरीबन 4.25 तोले था। पैसे कितने? पैसे तकरीबन 1 लाख रुपए करीब थे। 1 लाख रुपए करीब था, यानी आप PIC से आ रहे थे? हाँ जी। अच्छा, आप गाड़ी पे थे? जी, मैं मोटरसाइकिल पे था। आप भी मोटरसाइकिल पे थे और वो भी मोटरसाइकिल? वो मैं पहले आ चुका था ना, जब गाड़ी खड़ी हुई है उसके बाद जो है ना, मैं उन्होंने हारन दिया, मैं बाहर निकला हूँ तो जब वाल साहब को एक टांग नीचे आया तो एक दूसरे उतारने लगे। इसी जगह का? इसी जगह का वाक्य है। इस जगह का वाक्य है कि जब वो उतरने लगे थे आप पहले आ गए थे? हाँ जी। और जब वो उतरने लगे गाड़ी से तो उस वक्त 2 मोटरसाइकिल? 2 मोटरसाइकिल टर्न किया, टर्न करके ना तो उन्होंने। किस मोटरसाइकिल पे सवार? 125 थे। अच्छा, 125 LEO उसका नंबर था, 9818 उसका है, 18 मॉडल। FIR करवाई है हम उनके पास, उन्होंने 15 पे कॉल की, उसके बाद पुलिस आई है, तकरीबन 5-7 मिनट बाद पुलिस आई, उन्होंने पूछा, उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने FIR काटी है। तो FIR काटने के बाद वो लोग जो है ना हमें कहते हैं आप जो है ना कल आना, परसों आना, तरसों आना, तकरीबन 16-17 दिन हो गए कि आप परेशान ना हो। और FIR भी इस तरह की काटी है कि जैसे उनको खुद का पता था कि भी नुकसान कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मैंने वहाँ पे लिखा कुछ है तो उन्होंने FIR में 3 लाख लिखा, मेरा 4.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपने बताया कि 4.25 लाख? जी, मैंने उनको बताया। किसने FIR की, कौन था वहाँ पे थाने में? थाने में रजवान साहब थे। तफ्तीशी कौन है आप? मोहसिन। मोहसिन साहब, मोहसिन को आपने कहा नहीं कि ये आप नुकसान ज्यादा हुआ कम लिख रहे हैं? मैंने उनको बताया, कहता जी उन्होंने काट दिया, जब वो पकड़े जाएंगे उसके बाद आपको रिकवरी करवा देंगे। आराम से उन्होंने कहा कि जब पकड़े जाएंगे तो रिकवरी करवा। हाँ जी। उसके बाद फिर FIR कब हुई? FIR 3 दिन बाद हुई है। और जब FIR और कितने दिन हो गए FIR? FIR को 16-17 दिन हो गए। 16-17 दिन में कोई पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, कोई नहीं किया। हम भी बार बार उनके पास जाते रहे कि हमारे साथ, और जिस दिन वारदात हुई है उसी दिन तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जो है ना उन्होंने बैग जो है ना वो अटारी गाँव के अंदर फेंके हैं।
अच्छा खाली करके? खाली करके। वो किसने आपको बताया? वो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसने मेरी वो उसके अंदर मेरी मिसेज की आईडी कार्ड था और मेरी तस्वीरें थी, उन्होंने देखे ना, तो फिर नंबर ट्रेस करके उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके साथ क्या मसला हुआ है। मैंने ये बताया कि मेरे वाले साहब का बाईपास हुआ था, हम हॉस्पिटल से लेकर गारून को आए, और कोई प्रॉब्लम है? क्या यार नहीं, मैं कहा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता बताओ, मैं कहा यार इस तरह हमारे साथ वारदात हुई है, तो कहता यार वारदात हुई तो हमारे इधर बैग फेंक के गए वो लोग, और उसके बाद हम वहाँ से हम बैग लेके आए, वहाँ पे बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। उसको पुलिस को बाद में आपने बताया कि बैग वहाँ से मिला? पुलिस को मैं साथ लेके गया था, वो भी इस तरह गए थे जैसे उनका कोई पीछे मर गया हो ऐसा ऐसा, इतने स्लो गए कि जैसे वो कह रहे हैं। भी आपने दी कन्वेंस? भी हमने दी, हमने बड़ी मुश्किल जनाब, वो आराम आराम से पीछे जनाब, जिस तरह जिस तरह उनको टेंशन ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, जैसे उन्होंने कहते वो भाग जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। उसके बाद? उसके बाद अगले दिन जो है मेरे पापा अल्लाह से अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर पुलिस के पास दोबारा गए? पुलिस के बाहर हम बार बार जाते रहे, लेकिन कहते जी बस ये हम कर रहे हैं कार्रवाई। और उसके बाद हमने देखा कई वारदात, तो इसी इलाके में घूमते हुए मेरा दोस्त है उसकी मिसेज ने देखा उनको वारदात, मतलब वो उनको घूमते फिरते हुए। अच्छा, वही लोग उनको देखा सेम वही ड्रेस में फिर रहे थे। उनको ये डर भी नहीं कि FIR हो गई होगी या एक वारदात कर ली तो मिलाकर छोड़ दें? नहीं। SHO से मिले आप जाके? SHO से मिले, कहते जी हम कर रहे हैं जी, वो इलेक्शन का दौर है जी, आप सब्र कर लें, हम कर रहे हैं जी। अच्छा, कौन से SHO? रजा साहब है। रजा साहब, ये जो मिस्टर टाउन, मिस्टर टाउन है, मिस्टर कॉलोनी में। आप भी सर? हाँ जी, मैं भी इतने मैच का बड़ा भाई हूँ। तो मेरी मिसेज ड्राइविंग करके लेके आ रही थी मेरे वाले साहब को, तो जब उसने आके यहाँ गाड़ी खड़ी की है, तो फौरन ही 5-10 मिनट के बाद जो है ना, वो दो लड़के पहले दो चक्कर लगा के गया है, 4 लड़के थे टोटल तकरीबन, पहले 2 आए, उन्होंने चक्कर लगाया, राउंड लगाया, फिर एक राउंड लगाया, लगाने के बाद उन्होंने फिर जाके तकरीबन 5 मिनट के बाद दूसरा दो बंदे 125 आए हैं, उन्होंने आगे जाके, पहले उन्होंने नकाब नहीं पहने हुए थे, नकाब नहीं पहने हुए थे, जब उन्होंने आगे बाइक लेके गए हैं उधर जाके उन्होंने खड़ी की है, खड़ी करने के बाद उन्होंने मौका वारदात देखा है, अभी 2 लेडीज़ हैं उतर रही हैं, एक पेशेंट को उतार रही हैं, वो जो लागर है बिल्कुल बाईपास हार्ट सर्जरी है उनकी, तो हम तकरीबन 15-20 दिन उधर कार्डियोलॉजी में रहे हैं, वहाँ हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवाने के बाद घर लेके आए, घर लेके उतारते हुए हमारे गेट के बिल्कुल सामने एक पाउन का गेट के अंदर था एक बाहर था, उतारते उतारते एकदम से वो 125 वाले आए हैं, उन्होंने गन पॉइंट पे पहले मेरी भाभी के पर्स छीने, फिर उसका जेवर था वो उतारा है, उतारने के बाद फिर उन्होंने उनके वो कांटे थे वो उतारे हैं, फिर उन्होंने मेरी मिसेज के पास गए हैं उसके जेवर उतारे हैं, फिर उसकी अंगूठियाँ, उसने कहा जल्दी से उतारो जल्दी से उतारा, वो बाग के अंदर चली गई, उन्होंने बाग के अंदर जाके दरवाज़ा बंद किया, शोर किया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, उन्होंने फायर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो भाग के ऊपर छत पे चली गई हैं, वहाँ से उन्होंने जाके दूसरे भाई को बुलाया भी नीचे चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं, जब उन्होंने ऐसे शोर किया तो वो फौरन भाग के चले गए यहाँ से, तो तकरीबन हमने फिर 15 पे फ़ोन किया, उन्होंने 15-10 मिनट बाद तकरीबन 5-10 मिनट के बाद पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके पूछा जी क्या मसला, हमने ये आपके यहाँ डकैती हुई है, अच्छा आपके को कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, हमने कहा हाँ जी कैमरे लगे हैं, यहाँ भी ये वो 2 लगे हैं पीछे जहाँ इनोट होता है वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, फिर SHO साहब थोड़ी देर के बाद वो आए हैं, जुमे का टाइम था तकरीबन 1:15-20 मिनट का टाइम था जब वो डकैती हुई है, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने उनको हमने सारी फुटेज दिखाई है, कैमरे में उनकी शक्लें भी नज़र आई हैं, उनका बाइक का नंबर भी नज़र आया है, चारों के ही, एक ने हेलमेट पहना हुआ, दूसरे ने नकाब किया हुआ था, तो 4 कैमरों की हमने उनको फुटेज दी है, तो उसके बाद फिर हमने उनके सारा जितना भी था बायोडाटा हमने नादरा से खुद निकाल के उनको पुलिस वालों को दिया। हमने, आप लोगों ने निकाला? हमने निकाल के दिया, फिर हमने सारे, ये तो पुलिस वालों का काम है, आपने क्यों? जो पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं थे, पुलिस वाले को हमें आज तक तकरीबन 15-20 दिन हो गए, पुलिस ने हमारे साथ कोई रब्ता ही नहीं किया, हम खुद ही जाते हैं जाके उनको पूछते हैं हाँ जी सर क्या हुआ है, वो कहते हैं जी चल रहा है अभी पता कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं, आप सुकून से बैठे हैं आपको हो जाएगा आपका मसला, हो जाएगा मसला, ऐसे ही करते हैं, तो फिर हमने जाके डाटा निकाला है,
कुत्ते कुछ दिन के बाद फिर हमने हमारा जो एक मोबाइल था हवावे, वो एक सैमसंग था, तो जो पर्स में थे, तो उसके अलावा पर्स में एक पैसे 15-20 हज़ार था, दूसरे में तकरीबन 60 के करीब था, जो एक मेरी मिसिज का पर्स था, एक मेरी भाभी का पर्स था जो वो लेके गए थे। उसमें एटीएम कार्ड भी थे, तो आईडी कार्ड भी थे, एक में दो कार्ड थे, एक में एक था। फिर जो जब उन्होंने वारदात की, तकरीबन 10 मिनट बाद हमें फ़ोन आया भी आपका कोई मसला तो नहीं हुआ, तो इधर अटारी गांव है, अटारी गांव के आगे जो है ना मंशा नंबरदार है, तो उनके घर में उन्होंने दोनों पर्स फेंके हैं। जब उन्होंने फेंके हैं तो उन्होंने भाई की तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने कॉल किया, भाई कोई आपके साथ मसला हुआ है? उसने कहा जी हमारे पास तो कोई मसला नहीं हुआ, फिर भी को बताएं। उन्होंने कहा मैं हमारे वाले साहब की हार्ट सर्जरी हुई थी, तो हम PIC से लेके आए हैं 15-20 दिन के बाद, तो फिर हम ना उसको उतार रहे थे तो डकैती हो गई है हमारे साथ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है डकैती होगी, मैं यही पूछने चाहता था भाई आपके साथ कोई मसला नहीं हुआ, डकैती हुई है, तो आप ऐसा करें हमारे ना घर में कोई दो पर्स फेंक के चला गया जिसमें आपकी तस्वीरें हैं, आईडी कार्ड है, तो और डॉक्यूमेंट हैं, वो आके ले जाओ। फिर वो ऐसा जो उसी वक्त फुटेज देख रहे थे, उसी वक्त उसको बताया भी कॉल आई है पर्स वहाँ अटारी गांव है, वहाँ पे ना मंशा नंबरदार के घर में फेंक के गए हैं, तो आप हमारे साथ चलें जाके देखें। फिर उसने पुलिस वाले को साथ भेजा, सिपाही था वो, उसने गया बड़े आराम आराम से जाके, उसने गया हमारे साथ उस बंदे से, मैंने उन्होंने हमें पर्स दे दिए। हम जब पर्स लेके आए तो उसमें हमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट थे वो तो मिल गए, जिसमें आईडी कार्ड था, एक में एटीएम था वो मिल गया, बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट थे वो हमें मिले हैं, लेकिन उसमें उन्होंने मोबाइल निकाल लिए हुए थे। पैसे भी निकाल लिए हुए थे, हमने फौरन फिर इत्तला किया, ATM बंद कराए, फिर सिम वगैरह बंद कराई। फिर आज तकरीबन कोई एक हफ्ते 10 दिन के बाद ना वो जो मोबाइल वो लेके गए थे ना, उन्होंने हवावे मोबाइल था, उन्होंने ऑन किया, जो हमारे इधर साज सूफियाबाद दरबार है अटारी के साथ, अटारी दरबार के साथ ही, वहाँ तकरीबन 2 बजे के करीब उन्होंने वो मोबाइल ऑन किया, उसका पूरा डाटा ग्रो है, पूरे का पूरा उनका पूरा डाटा हमारे पास व्हाट्सएप में आया। व्हाट्सएप में हमने देखा अभी सारे उनके बच्चों की तस्वीरें, उन गैंग की तस्वीरें, तकरीबन ये गैंग है तकरीबन 15-20 का, जो इस पूरे इलाके में घूमता फिरता है, डकैतियां करता रहता है। खामोश है पुलिस को, पता ही नहीं क्या सोई हुई है, हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आती भी इतने थाने के चंद तो फासला है, ये देखे ना साथ ही 2 फरलांग के पास डकैती हो रही है, कभी उधर हो रही है। अब ये आप देखें तो करीब चंद दिन हुए हैं कब्रिस्तान में अटारी दरबार के साथ, वो 2 125 लड़के हैं, उन्होंने ऐसे गाड़ी जा रही है, वो शादी से आ रहे थे, उन्होंने गन पॉइंट पे उनसे गाड़ी छीनी है, और उनकी मिसिज के साथ जो भी जेवरात थे, जो भी पहना हुआ था, गाड़ी थी, पर्स थी, मोबाइल था, हर छीन ली, गाड़ी भी ले गए और उसको मार के भी चले गए, चपेड़े मारी हैं। वैसे तो उन्होंने फायर वगैरह नहीं किया, मोजर ज़रूर उन्होंने ताने हैं, लेकिन उनसे गाड़ी छीन के चलेगा, जेबर उतार के चलेगा। इस तरह बैंक स्टाफ में एक से उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है, फिर इसी एरिया में फिर उधर आशियाना रोड पे जाएं, उधर एक वकील है, उसने अभी अपने दफ्तर का इफ्ताह किया था, वहाँ वो आए हैं, उन्होंने उधर वहाँ डकैती किया, उन्होंने उनसे मोबाइल जो भी उनके पास था, पैसे थे, सारा कुछ छीन के चले गए। तो इस तरह फिर उन्होंने वो मोबाइल ऑन किया, एक दफ़ा वो शेखपुरे गए, फिर फैसलाबाद गए, उसी तरह वो डाटा आता रहा। हाँ, लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने नहीं पकड़ा, हम खुद करते रहे हैं, हमने तो खुद सारा डाटा खुद लिया, हमने जाके नायदरा से लिया, कंपनी वाले जो जिन का मोबाइल है उनसे हमने लिया, हम खुद ही भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर जा उधर जा, उधर से उससे मिल उससे मिल, कोई जहाँ जहाँ हमारे तलक हैं वहाँ हम मिल रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ जो मर्जी हो रहा है, जो मर्जी कर रहा है,